जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसी के भगवान होते हैं। संसार में कोई अपना न रहे ऐसी स्थिति सौभाग्य का चिन्ह तथा भगवत कृपा का फल है। भगवान तो कहते हैं, जिसका कोई नहीं जगत में उसका प्रियतम होता मैं, वह मेरे हिये में नित बसता, उसके हिये सुख सोता मैं, नहीं छोड़ता कभी उसे, मैं रहता नित्य उसी के पास, वही हृदय स्वामी है मेरा, मैं उसका निश्चय ही दास। जिसका जगत में कोई नहीं होता उसका एकमात्र प्रियतम मैं होता हूँ, वह निरंतर मेरे हृदय में बसता है, मैं उसके हृदय में सुख से सोता हूँ, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता, नित्य निरंतर उसी के पास रहता हूँ, वह मेरे हृदय का स्वामी है और मैं निश्चय ही उसका दास हूँ। इस प्रकार भगवान ऐसे प्रेमी को केवल हृदय में ही नहीं बसाते, उसके हृदय में ही नहीं बसते, निरंतर उसके पास रहते हैं, उसे कभी छोड़ते ही नहीं, वरम अपना हृदय स्वामी बनाकर उसके दास हुए रहते हैं। दास भला स्वामी को छोड़कर कहाँ जाए। अतएव जो भगवान का हो जाता है और जिसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं, सचमुच उसका चित्त भगवान सदा के लिए चुरा लेते हैं और चित्त वित्त के बदले में अपने को दे डालते हैं, पूरा दे डालते हैं। यदि हमारे हृदय में जरा भी भगवत भक्ति या भगवत प्रेम है तो भगवान किसी रूप में हमारे पास नित्य रहते ही हैं। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से नित्य भगवान में ही रमण न करके जगत में रमती हैं, इसी से हमें उनके पास रहने का अनुभव कम होता है। पर भगवान कहते हैं, इससे हमें ऐसा ही मानना चाहिए कि उनके नित्य पास रहने का विश्वास पूर्वक निश्चय करना चाहिए, चाहे भगवान दिखे नहीं। साथ ही बुद्धि, मन, इंद्रियों को पूर्ण रूप से निरंतर भगवान में रमण करने की आदत डालनी चाहिए। यह काम मन के द्वारा ही हुआ करता है। मन को सदा सर्वदा विषय चिंतन से हटाकर भगवत चिंतन में लगाए रखना चाहिए। विशुद्ध भगवत चिंतन होने पर विषयों का चिंतन अपने आप ही छूट जाता है। परंतु कहीं कहीं भ्रमवश भगवत चिंतन के नाम पर भी विषय चिंतन होता रहता है। हमें पता भी नहीं लगता कि विषय चिंतन हो रहा है, और ज्यों ज्यों विषय चिंतन होता रहता है त्यों त्यों चित्त विषय सागर में डूब जाता है और उसी में मिथ्या आनंद का बोध करता है। भागवत जी में भगवान ने कहा है, बार बार विषयों का चिंतन करने से चित्त विषयों में निमग्न होता है और मेरा चिंतन होने से मुझ में ही तन्मय हो जाता है। अतएव सदा सर्वदा सावधानी से विषय गंध से रहित विशुद्ध भगवत चिंतन करना चाहिए। जितना चित्त विषयों से अविष्ट होता है, श्री कृष्ण में चित्त का आवेश उतना ही अधिक दूर हो जाता है। भगवान के चिंतन में एक मधुर आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, फिर वह छूटता नहीं और दूसरे चिंतनों को नष्ट कर देता है। तुम मन में चिंता मत किया करो, भगवान की कृपा तथा उसके मंगल विधान पर विश्वास रखो। वे हमारे लिए जब जो जैसी व्यवस्था करें उसी में मंगल है। संसार की तो सभी चीज़ें अनित्य और परिवर्तनशील हैं, उनके परिवर्तन में भगवान की लीला का अनुभव करना चाहिए। संसार में संयोग वियोग होते ही रहते हैं, मन को जहाँ तक बने प्रभु के चरणों में लगाए रखना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।